नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर व लैपटॉप में स्क्रीन सेवर को आप कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर जो लगाया हुआ है, जो कि नाम है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपका कोई नाम स्क्रीन सेवर में लगाना, आप कंप्यूटर में अगर चाहते हैं कि आपका नाम स्क्रीन सेवर के में कैसे आप लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं अपना फ़ोटो स्क्रीन सेवर में लगाना, तो कैसे आप स्क्रीन सेवर में अपना फ़ोटो व नाम किस तरीके से लगते हैं, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। साथ में क्या होता है स्क्रीन सेवर और ये क्यों कंप्यूटर में लगाया जाता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो वीडियो पे आप बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सरदार पटेल कंप्यूटर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही कंप्यूटर से जुड़ी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्क्रीन सेवर को अप्लाई कर रखा है। जैसा कि आप कोई कंप्यूटर पे किसी प्रकार का कोई भी वर्क कर रहे होते हैं और वर्क करना आप बंद कर देते हैं, वर्क कंप्यूटर पे अगर आप काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद जो स्क्रीन सेवर आप लगा जो अप्लाई करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही उसका वर्क अपनी स्क्रीन पे शुरू कर देता है। उससे आपका जो कंप्यूटर है, वो आप जो जहाँ से छोड़ते हैं वर्क करना, वो वहीं पे रहता है और स्क्रीन सेवर उसका काम शुरू कर देता है। तो स्क्रीन सेवर को अब आप कैसे लगाएंगे, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। स्क्रीन सेवर लगाने के लिए आपको कंप्यूटर व डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आना है। डेस्कटॉप व कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप जैसे आएंगे, यही प्रोसेस आप लैपटॉप पे भी दोहरा सकते हैं। सिंपली स्क्रीन पे आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे, तो आपको राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, पर्सनलाइजेशन। सिंपली आपको देख लेना है ध्यानपूर्वक ये ऑप्शन पर्सनलाइजेशन। आप स्क्रीन सेवर लगाने के लिए आपको पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का डेस्कटॉप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्क्रीन सेवर। यह सभी कंप्यूटर में रहता है और आपको ध्यानपूर्वक ये ऑप्शन देखना है और ढूंढना है। जैसे आप स्क्रीन सेवर का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन सेवर का एक ऑप्शन जो शो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको जूम करके थोड़ा सा बता देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन सेवर का आपको देखने को मिलता है। सिंपली यहाँ पे हमने 3D में पहले से ही नाम लगा रखा है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन सेवर लगा हुआ है, तो इसको यहाँ से हम चेंज करके आपको बताएंगे, या दूसरा नाम यहाँ पे हम स्क्रीन सेवर में नाम टाइप करके आपको स्क्रीन सेव करके यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताएंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन सेवर के नीचे 3D टेक्स्ट का। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉन में अगर आप नॉन चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका स्क्रीन सेवर में कोई भी नाम नहीं आएगा, ये नॉन आपका नॉन अप्लाई रहेगा। 3D नेम का अगर आप चूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट नेम देना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना नाम देना चाहते हैं, आप कोई भी यूनिक नेम आपको जो अच्छा लगे वो नाम आप स्क्रीन सेवर में देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने नेम दे रखा है, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3D नेम में दे रखा है सरदार पटेल कंप्यूटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चल रहा है, ये हमने नाम यहाँ पे पहले से ही दे रखा है। अगर आप चाहते हैं इस नाम को कैसे चेंज करना, और अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से ही अपना नया नाम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर वहीं पर वही प्रोसेस पर आपको आना है। आप यहीं पर आएंगे और यहाँ पर आपको 3D टेक्स्ट के सामने ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का। 3D टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे 3D टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, उसी के सामने आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सिंपली पहले प्रोसेस हम आपको नाम चेंज करना सिखा रहे हैं, तो सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऊपर में आप यहाँ पर देखेंगे कस्टम टेक्स्ट। कस्टम टेक्स्ट में दोस्तों आपको वही नाम टाइप करना है जो आप स्क्रीन सेवर में रखना चाहते हैं। स्क्रीन पे अगर आप जो नाम रखना चाहते हैं, वो नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे हम सरदार पटेल रख देते हैं, सिंपली हम यहाँ पे कंप्यूटर को हटा देते हैं, हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सरदार पटेल रख लेते हैं। उसके बाद उसके सामने आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रेवोल्यूशनर। रेवोल्यूशनर का काम यह रहता है दोस्तों, जो ये जो आप भी स्क्रीन सेवर पर जो सेव करेंगे, उसको यहाँ पर लो चलाना है, हाई चलाना है, वो यहाँ पे आप रेवोल्यूशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लो कर देते हैं थोड़ा, हमने हाई कर रखा है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके नीचे आपको साइज का ऑप्शन भी मिल जाता है। साइज में जो आपके जो साइज है, उसको आप लार्ज रखना चाहते हैं, मतलब बड़ा रखना चाहते हैं, या स्मॉल रखना चाहते हैं, वो आपके हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्मॉल चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं, वो भी आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। उसी के नीचे आपको रेवोल्यूशनर स्पीड, मतलब जो आपका जो नाम आप सेट करेंगे टेक्स्ट में, उस हिसाब को उस नाम को आपको फास्ट
चलाना है या स्लो चलाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको रख लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम आपको डेमो पे बता देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रेवोल्यूशनल टाइप, तो सिंपली यहाँ पे नोन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि स्पिन है, सीसा और वबल्स और टबल्स। तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम में और भी टेक्स्ट जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों इनका काम ये होता है कि जो आप नाम लिखेंगे, जो फॉन्ट लिखेंगे, उनको अलग अलग डिज़ाइन में चलाना, अलग अलग फॉन्ट देना, अलग अलग तरह से यहाँ पे उसकी उसको डेस्कटॉप स्क्रीन पर जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर अलग अलग तरीके से चलेंगे। तो यह काम इनका होता है। सिंपली यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सी सा चूज़ कर लिया है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। सरफेस स्टाइल, तो यहाँ पे इनका काम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड कलर, यहाँ पे आप कलर चेंजेस कर सकते हैं। कस्टम कलर, यहाँ पे आप कलर का भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी नाम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप सारा कुछ अपने हिसाब से जो चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी कलर आपको चूज़ करके बता देते हैं, तो यहाँ पे कस्टम कलर के सामने हमको कलर का ऑप्शन मिल जाता है चूज़ कलर। वहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर ऑप्शन खुल जाएंगे, यहाँ से हम कोई भी कलर को चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर लिया है, चूज़ करने के बाद हमें ओके बटन का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की तरफ, और तो ओके बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद हम ऊपर की तरफ फॉन्ट चूज़ फॉन्ट, सिंपली चूज़ फॉन्ट का ऑप्शन आप ध्यान से देखें, जैसे कि आपको कस्टम टेक्स्ट के नीचे ही चूज़ फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी अक्षर टाइप करते हैं उसका फॉन्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अक्षर को मोटा करना, स्मॉल करना, टेढ़ा करना, जिस तरीके से आप चाहते हैं फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज करना, वो स्टाइल आप यहाँ से बड़ी आसानी से चूज़ कर सकते हैं। उसको आप देख भी सकते हैं और उसको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सेव कर लिया, हम ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फिर से दोबारा पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने नाम चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया और फॉन्ट जो चेंज किया है वो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सरदार पटेल नाम दिया है तो आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन शॉट को, एक अच्छा यूनिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, अच्छा ही लुक। तो इस तरीके से आप अपना नाम को अगर देना चाहते हैं स्क्रीन शॉट में तो आप अपने नाम को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि नाम को किस तरीके से चेंज आप स्क्रीन शॉट में कर सकते हैं, वो नया नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो कैसे आप रखेंगे। उसके बाद जो भी नाम आप चूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन सेवर 3D के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेटिंग 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आप टाइमिंग दे सकते हैं, जैसे कि टाइमिंग देने का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर पे किसी प्रकार का कोई भी वर्क कर रहे हैं और आपने वर्क करना बंद कर दिया, जैसे कि आपका वर्क किए हुए एक मिनट आपका सिस्टम आपने छोड़ दिया है, वर्क करना बंद कर दिया, ऑटोमेटिक ही एक मिनट बाद आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक ही स्क्रीन सेवर लग जाएगा और अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ मिनट देना चाहते हैं कि 5 मिनट बाद आपका वर्क बंद होता है, ऑटोमेटिक स्क्रीन सेवर लग जाए, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो मिनट देना चाहते हैं वो मिनट आप यहाँ पे दे सकते हैं, स्क्रीन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उतने समय के बाद, उतने मिनट के बाद आपका स्क्रीन सेवर आपके सिस्टम पे स्क्रीन पे ऑटोमेटिक ही काम करना शुरू कर देगा। इस तरीके से आप स्क्रीन सेवर को सेट कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर को सेट करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई भी करना होता है, जैसे कि आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ओके के पास में ही अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आशा करते हैं आप स्क्रीन सेवर को सेट करना अपने कंप्यूटर व लैपटॉप पर सीख गए होंगे। इस तरीके से आप अपने सिस्टम व कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर को सेट व अप्लाई कर सकते हैं।